हेलो प्यार बच्चों एंड फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, जय हिंद जय भारत। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, टुडे इज माय सेवंथ लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अप टू लेक्चर नंबर 6 हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा टॉपिक कवर किया, दैट इज द इलेक्ट्रोवायलेट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? तो गाइज, हम लोगों ने जितने भी जो डिटेल्स थे जो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड को विदाउट स्किपिंग एनी पॉइंट हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द न्यू टॉपिक एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कोवायलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो गाइज, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी जो कोवायलेंट बॉन्ड है किसे बोलते हैं, क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, सारे जो शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन है मैंने उसे तो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो प्लीज पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन आई विल डिस्कस वन बाय वन। क्लियर है? तो चलो, आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा और गाइज आप साइमल्टेनियसली विद द क्लास आप नोट डाउन करते चले, जिससे आपको जो फ्यूचर में, आज के क्लास तो आपको अभी याद रहेंगे बट आपके पास फ्यूचर में आपके पास कोई रेफरेंस होना चाहिए। क्लियर है? तो कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई थोड़ा इसको फील करेंगे कि भाई सिर्फ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्या, या हमारे रियल लाइफ में भी इसकी ज़रूरत है। तो ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि स्टडी ऑफ वर्ल्ड इज द केमिस्ट्री। क्लियर है? तो गाइस, जो हम हवा सांस लेते हैं या जो हम जो हवा छोड़ते हैं दैट इज द ऑक्सीजन एंड दैट इज द CO2। क्लियर है? जो हम पानी पीते हैं दैट इज द H2O। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे जितने भी जो सब्सटेंसेस हैं, जितने भी जो कंपाउंड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूजेज होते हैं, ये सारे के सारे कोवैलेंट कंपाउंड हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर है? तो हम लोग इसी सोच के साथ कि सिर्फ जो कोवैलेंट बॉन्ड है या जो केमिकल बॉन्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, हमारे रियल लाइफ का भी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड एंड गाइस टुडे इज द पार्ट वन। क्लियर है? तो गाइस, जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसको हम लोग बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज हैं कि कोवैलेंट कैसे बनता है, इसका ज्योमेट्री और इसका जो शेप होता है ऐसा क्यों होता है, या एक जो कंपाउंड है या एक जो सब्सटेंस है तो वो जो कंपाउंड है या जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे का जो ज्योमेट्री होता है, शेप होता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसमें हम बहुत ही ज़्यादा हम लोग जो आयोनिक बॉन्ड हम लोगों ने जो पढ़ा, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट जो वैलेंट बॉन्ड पढ़ा उससे भी ज़्यादा इसका जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लियर है? तो गाइज, इसके तो आज का जो क्लास है दैट इज़ द क्लास नंबर वन, दैट इज़ द पार्ट वन, उसमें हम लोग इसका जो कोवैलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? एंड देन इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, वी विल कवर अबाउट दैट। ओके, तो गाइज जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो फर्दर क्लासेस होंगे उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन VSEPRT। क्लियर है? एंड देन विल गो फॉर द MOT। इस तरह के बहुत जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले, किसके अंतर्गत हम लोग कवर करने वाले, कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत। क्लियर है? तो दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड देन दिस वन इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एंड देन दिस वन इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है? तो ये सारे कहीं ना कहीं जो उनका जो एक्सप्लेनेशन है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। क्लियर है? तो गाइस
जो कोवैलेंट बॉन्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो हम लोग विदाउट स्किपिंग एनी कॉन्सेप्ट, विदाउट स्किपिंग एनी सब टॉपिक अंडर दिस टॉपिक, हम लोग हर चीज को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, ताकि जब आप एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी चैप्टर किसी भी टॉपिक का आप अगर आपने टाइम देकर पढ़ाई किया हो तो आपको फिर से दोबारा कहीं भी कोई कन्फ्यूजन या किसी अदर कॉन्सेप्ट के लिए जाना नहीं पड़े। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो गाइज हम लोगों ने देखा था कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयोनिक बॉन्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें या ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि भाई एक जो एटम है, अगर एक एटम है और ए एक एटम है, तो ए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या फिर ये क्या कर रहा है, एक जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक डोनर होता है और एक रिसीवर होता है। क्लियर है? मीन्स कंप्लीटली ये एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो सेकंड एटम है उसको वो डोनेट कर रहा है, जो दूसरा जो एटम है वो कंप्लीटली उसको रिसीव कर रहा है। क्लियर है? बट जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसका कॉन्सेप्ट समथिंग डिफरेंट है। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो आयोनिक बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है, एक होता है मेटालिक एलिमेंट एंड अनदर इज द नॉन मेटालिक एलिमेंट। क्लियर है? जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों एटम क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, दोनों का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर है? तो वहाँ पे मीन्स बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे उनका लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी होता है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो कोवैलेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों में हम लोग जो सिमिलैरिटीज है, जो डिफरेंसेस है, वो सारे के सारे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो चलो अब यहाँ पे देखो गाइस, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो कोवैलेंट बॉन्ड, अब बॉन्ड के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो कोवैलेंट, तो भाई कोवैलेंट वैलेंसी तो हम लोग समझ चुके हैं। तो कोवैलेंट मींस ऐसा बॉन्ड या कंपाउंड जिसके अंतर्गत जिसके जो कंस्टिट्यूएंट जो एटम है, जो उस कंपाउंड को या उस मॉलिक्यूल को जो बना रहे हैं, उनका आपस में क्या होगा, जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा गाइस, वो सेम होगा। क्लियर है? मैं एच टू की बातें करूं तो एच टू में क्या है, एक एच है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, एच इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये क्या कर रहा है, इसके साथ इसको शेयर कर रहा है, देन सेकेंड वन इज द इसको शेयर कर रहा है। क्लियर है? तो ये देखो, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर है? तो इस एटम के लिए वैलेंसी कितना है, वन है, और इस एटम के लिए वैलेंसी कितना है, वन है। क्लियर है? मीन्स यहाँ पे जो शेयर्ड जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए क्या है गाइस, सेम होंगे। क्लियर है? तो सेम होंगे, मीन्स एक बॉन्ड बना लेके कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, हमें दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गया, और दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के द्वारा शेयर किया जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के द्वारा शेयर किया जा रहा है, तो यही होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अभी कोवैलेंट बॉन्ड को अगर हम और बहुत ही अगर देसी लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। क्लियर है? अब जैसे तो जैसे अगर हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा टिकट कंफर्म नहीं होता। क्लियर है? तो जो लोअर बर्थ होता है कोच में, उसमें क्या होता है, उसमें आरएसी होता है, मींस एक एक ही सीट पे दो लोगों को शेयर करने दिया जाता है ऑफिशियली फ्रॉम द रेलवे। क्लियर है? तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि जिस तरह से
जो आरएसी टिकट होता है वो कितने परसेंट का होता है गाइस? जो 2% का होता है, 1 और 2, क्लियर है? अभी जो 1 और 2 है तो मीन्स क्या कर रहे हैं इन लोग, दोनों को एक डेस्टिनेशन पे जाने का है, क्लियर है? तो दोनों क्या कर रहे हैं, उस एक जो सीट है उसको कॉमनली वो क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। मीन्स इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स यही हुआ कि अगर इससे भी अगर मीन्स आर ए सी मान के चलो सीट नंबर इज द फॉर एग्जांपल सपोज 15, क्लियर है? तो इस पर्सन के लिए सीट नंबर कितना हुआ, 15 हुआ, और इस पर्सन के लिए सीट नंबर कितना हुआ, 15 हुआ। बट दोनों पर्सन क्या कर रहे हैं, इस जो सीट है जो सीट है उसको वो आपस में शेयर कर रहे हैं। मीन्स कंप्लीटली जो सीट है एज पर द टिकट वो किसी का नहीं है। मीन्स वो जो एक जो सिंगल सीट था उसको दोनों के बीच में क्या किया गया, शेयर किया गया। तो सेम इसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड है। मीन्स क्या हुआ कि भाई कोई भी जो एटम है या कोई भी जो एलिमेंट है वो क्या करना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम ऑक्टेट रूल फॉलो करें। मीन्स जो उनका जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है, उनका जो वैलेंस सेल होता है वो क्या, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब 8 इलेक्ट्रॉन क्यों हो, क्योंकि जैसे ही ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करेंगे, जैसे ही वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, या जैसे ही जो आउटर मोस्ट जो सेल है जिसमें नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्लियर है? तो गाइस सारा जो कहानी है किसी भी बॉन्ड बनने का, हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड में भी पढ़ा था और फिर से हम यहाँ दोबारा पढ़ रहे हैं कि जितने भी जो बॉन्ड हो बन रहे हैं, जो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वो सारा कहानी किसके पीछे का है, सबका कहानी है स्टेबिलिटी गेन करने का, कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का। अगर हाइड्रोजन को केस में छोड़ दे तो वहाँ पे वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है, जिसमें मीन्स वो अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में हाइड्रोजन के केस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो वहाँ पे क्या होता है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। मीन्स जो हीलियम है, जिसे हम नोवेल गैस भी बोलते हैं, जिसे हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, उसका वो कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, क्लियर है? तो भाई केमिकल बॉन्डिंग के पीछे का सबसे बड़ा कॉज क्या है, स्टेबिलिटी। सबसे बड़ा रीजन क्या है, ऑक्टेट रोल। और उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें, मीन्स वो कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी जो एटम है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि भाई हम स्टेबल हो जाएं। हम क्या करें, हम जो नोवल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम उसको अचीव कर ले। तो सारा खेल, सारा कहानी और सारा जो केमिस्ट्री है बस यहीं से स्टार्ट होता है, क्लियर है? तो चलो, तो हम लोगों ने तो आरएसी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो भाई जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इसमें देखो इसमें दोनों के दोनों जो क्या होते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट होते हैं, क्लियर है? तो नॉन मेटालिक एलिमेंट मीन्स क्या हो गए कि मेटालिक जो जो एलिमेंट होते हैं कौन से ग्रुप के होते हैं, ग्रुप 1, जिसमें हम सिर्फ हाइड्रोजन होता है, देन ग्रुप 14, 15, 16 और 17, क्लियर है? तो जो ग्रुप 1 होता है, तो ग्रुप 1 में क्या होता है गाइस, उसका जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। जो ग्रुप 4 होता है उसका वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 5 होते हैं, इसमें 6 होते हैं और इसमें 7 होते हैं, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देख लो, जो आउटर मोस्ट सेल में वो चूँकि हाइड्रोजन के केस में क्या करना चाहिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिएगा, लेकिन इस सब सारे के केस में क्या होगा गाइस, जो आउटर मोस्ट जो सेल है, जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, उसमें क्या चाहेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब बोलोगे कि सर क्यों, ये 4 जो अगर इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे समझ सकते हो, अगर हम कार्बन की बातें करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, इसका हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 4 है। अब बोलोगे कि सर क्यों मैं एक्सेप्ट ही करूँ,
क्लियर है? क्यों ना मैं ये इसको रिलीज करके अब ये जो डुप्लेट रूल है, जो हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं अचीव कर लूँ। तो गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है बहुत ही हाई होता है। क्लियर है? यहाँ पर देखो, चार इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से रिमूव करोगे तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए कितना ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर है? इसीलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, ये चार, ये जो अपना जो इलेक्ट्रॉन है, जिसे अगर यहाँ पे कार्बन है तो ये देखो 1 2 3 4। क्लियर है? इसका जो ऑटोमोस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो ये क्या करेगा, एक किसी के साथ शेयर 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 करेगा। ये जो है, अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, अगर मान के चलो यहाँ पे हम सी एच फोर की बातें कर ले तो दिस वन इज द एच, दिस वन इज द एच एंड दिस वन इज द एच, दिस वन इज द एच। तो अब यहाँ पे 2 4 6 8। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो अपना स्टेबिलिटी है, ये जो अपना नियरेस्ट जो नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे अचीव करते हैं, वो बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स विथ अनदर एटम। क्लियर है? तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है आयोनिक बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में। क्लियर है? मींस अगर हमें दोस्ती करना है तो हम लोग दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली आगे आना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा। क्लियर है? इसका मतलब यही है कि मींस दोनों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो एटम्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दोनों क्या होंगे गाइस, वो दोनों के बराबर होंगे। क्लियर है? तो चलो, ये सारे बैकग्राउंड थे किसके, कोवेलेंट बॉन्ड के। अब हम लोग देखते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके बारे में थोड़ा सा जो डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम बोर्ड के भी एग्जाम देंगे तो इसलिए हमें मीन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसे के बारे में भी हमें जानना चाहिए। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अभी आप देखो पॉइंट नंबर 1 इज सेइंग इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच अराइजेज ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। क्लियर है गाइस? जब हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उस समय हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड हमेशा कैसे बनता है, हमेशा जो दो डिसिमिलर जो एटम्स होते हैं उन्हीं के बीच में बनता है। बट इन द केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे ना सिमिलर बोला ना डिसिमिलर बोला, इट मीन्स यहाँ पे सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? अभी यहाँ पे तो म्यूचुअल शेयरिंग जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था आरएसी बर्थ के केस में, क्लियर है कि सीट एक ही है बट दो पर्सन के द्वारा उस सीट पे दोनों का बराबर का हक है, क्योंकि दोनों ने रेलवे को सेम पैसा पे किया है और दोनों के लिए जो सीट अलॉटेड है वो क्या है, दोनों के लिए जो सीट अलॉटेड है वो सेम है। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या बातें की जा रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एक एटम ए है, एक एटम ए है, दोनों नॉन मेटालिक है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड कैसे बनाएंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ए शेयर कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ए भी शेयर कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, इज द नथिंग, इट्स जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजेज ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग। मीन्स ये दोनों जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने आपको दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने हमें दिया, और इस तरह से हम लोग दोनों ने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया, और इस तरह से हम दोनों के बीच का एक जो रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ, उसी प्रकार एटम्स और एलिमेंट के केस में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स वैलेंसी विल बी सेम फॉर कंस्टिट्यूएंट एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन द कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो चलो हम लोगों ने तो यहाँ पे देख लिया कि भाई पॉइंट नंबर क्या है। क्लियर है? तो अब चलो हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे।
तो पॉइंट नंबर टू क्या है, दिस, देखो यहाँ पे, तो पॉइंट नंबर टू क्या है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ए ए बी बी एंड डी सिमिलर एटम्स। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वहाँ पे आयोनिक के केस में क्या था, आयोनिक के केस में था मीन्स कि जो एटम्स हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के होने चाहिए। मीन्स आयोनिक बॉन्ड ए और ए के बीच में बन सकता है क्या? नहीं। क्लियर है? तो आयोनिक बॉन्ड किसके किसके में बन सकता है, ए बी के केस में बन सकता है, फिर ये नहीं होगा आयोनिक के केस में, और फिर किसके किसके बीच में बन सकता है, ए बी सी लाइक दैट, ए बी हो सकता है। क्लियर है? बट कभी भी आयोनिक बॉन्ड ए ए बी बी या सी सी के बीच में नहीं बन सकता है। क्लियर है? बट अगर मैं इसको आयोनिक को हटा दूं और यहाँ पे मैं अगर कोवेलेंट लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे कोवेलेंट लिख दूं, तो इसमें ए भी हो सकता है, 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 ए भी हो सकता है। मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी दो एटम्स के बीच में बन सकते हैं, बस उसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों एटम्स नॉन मेटालिक होना चाहिए। क्लियर है? तो चलो, तो हम लोगों ने देख लिया पॉइंट नंबर टू। अब आ जाते हैं गाइस पॉइंट नंबर थ्री पे, ठीक है? तो पॉइंट नंबर थ्री क्या है, बोथ द एटम्स ए एंड बी, मीन्स अगर एक कंपाउंड बना है, क्लियर है, कंपाउंड बनाने के लिए हम रिएक्शन कराना चाहते हैं ए एंड बी के बीच में, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोथ द एटम्स ए एंड बी आर शॉर्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन देन द नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। जैसे अगर मैं हम अगर फ्लोरीन का बातें करें तो क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, और इसका जो नेक्स्ट जो नियोन होता है उसका फ्लोरीन जो एटॉमिक नंबर कितना, 10 होता है। तो दिस इज द इनर्ट गैस, यहाँ पे कितने शॉर्ट हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और यहाँ पे नियोन का जो है तो यहाँ पे कितने के शॉर्ट हो रहे हैं, 2 से। उसी प्रकार नाइट्रोजन का है यहाँ पे कितने से शॉर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 से शॉर्ट हो रहे हैं, अब यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 3। तो ये सब सारी चीज़ें के बारे में ये बोल रहा है, तो हम लोग सारे के सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे लेटर ऑन, ओके, सो डोंट वरी। क्लियर है? तो हम लोग ने इस तरह से देख लिया है कि जो ई एंड बी जो कंस्टिट्यूएंट जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, उसमें दोनों जो एटम्स हैं वो दोनों के पास 1, 2 या 3 एटम या 4 एटम कम हो सकते हैं, किसे, जो नेक्स्ट जो उनका जो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। क्लियर? तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है पॉइंट नंबर सेकेंड। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4। क्लियर है? इसको मैं मिटा ही देता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ तक पॉइंट नंबर 4 पे क्या है कि बोथ द एटम्स ई एंड बी शेयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब यहाँ तक मोर इलेक्ट्रॉन, द शेयर्ड पेयर becomes their common property, सेम हो गया भाई, जैसे RAC के केस में सिंगल सीट दोनों के बीच में शेयर किएगा उस सीट पे, क्योंकि दोनों ने रेलवे को पैसा दिया, सेम पैसा पे किया, इसलिए दोनों का हक कितना होगा, सेम होगा, इसीलिए दैट विल बी कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी। क्लियर है? एज अ रिजल्ट बोथ द एटम्स एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, द शेयर्ड पेयर इज साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाई बोथ द न्यूक्लियाई, हेंस द बॉन्डेड टू ईच अदर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस की बातें करते हैं, ऑक्सीजन गैस की बातें करते हैं, क्लियर है? तो हम लोग सारे चीज़ें इसमें डिटेल पढ़ेंगे, क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, यहाँ पे एक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रोजन है उसका वैलेंस शेल में एक है, ये जो क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके यहाँ पे 5, 6, यहाँ पे 6, 4, मान के चलो इस तरह के हैं, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, इसके जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। उसी प्रकार अगर हम नाइट्रोजन की बातें करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, बेसिकली आप ऐसे लिख लो। BACPR थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे लोन पेयर ना हो के यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके साथ शेयर हुआ? इसके साथ हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके साथ हुआ? शेयर ए है। ये क्या बना? बॉन्ड बना, क्लियर है? तो यहाँ देखो, द शेयर पेयर इज साइमल्टेनियसली, अब यहाँ पे देखो साइमल्टेनियसली, चूँकि किसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है इसमें दोनों का हक सेम है, क्लियर है? तो इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन एटम का और इस हाइड्रोजन एटम का, ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को आपस में साइमल्टेनियसली वो क्या करेगा? बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने तरफ खींचेगा, क्लियर है? तो ये मान के चलो, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसीलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बोथ द न्यूक्लियाई साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई, हेंस बॉन्डेड टू ईच अदर। इसलिए वो इसको खींच रहा है, वो इसको खींच रहा है, मीन्स दोनों एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं, इसीलिए कभी कोई अलग होगा नहीं। दोनों यहाँ पे है, ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, ये अगर इसको खींच रहा है तो इधर बढ़ रहा है, फिर ये इसको खींच रहा है तो इधर बढ़ रहा है, और फिर से जब ये इसको खींच रहा है तो ये अपने पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, दोनों अलग नहीं हो रहे हैं, मीन्स दोनों साथ साथ हैं। तो जिसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या जानते हैं? बॉन्ड, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आ जाओ पॉइंट नंबर फिफ्थ, क्लियर है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाई एन एटम फॉर शेयरिंग टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंसी, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि व्हाट इज द कोवेलेंसी, क्लियर है? अब चलो पॉइंट नंबर सिक्स पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट नंबर सिक्स। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय टू एटम्स वी हैव सिंगल डबल ट्रिपल और कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, चूंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा? हेलियम का। तो हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो इसीलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से मिलेगा? ये इससे मिलेगा, क्लियर है? और इसके लिए यहाँ पे कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, अभी 1 के 7 हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या बना? 1, देखो ये बन गया, क्लियर है? और ये बॉन्ड बन गया गाइस। तो इस जब बॉन्ड बना तो ये कितने बॉन्ड बना? दोनों इलेक्ट्रॉन के, दोनों जो एटम्स हैं उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है? बाई ईच एटम, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड, जिसे हम इंडिकेट करते हैं कैसे? लाइक दिस या लाइक दिस, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, वही बात बोला, सिंगल डबल, डबल में क्या हो रहा है कि डबल में जो एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, उन दोनों के बीच में क्या होगा? एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा बाय इंडिविजुअल एटम। तो यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजन है का जो एटम है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करा? 1 किसके साथ शेयर करा? 1 किसके साथ करा? फिर ये भी किसके,
एक इसके साथ शेयर किया, इसके साथ शेयर किया, तो यहाँ पे कितने बंधन बन रहे हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। हम इसे इस तरह से इंडिकेट करते हैं या फिर इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार हम जब नाइट्रोजन की केस में जाते हैं तो यहाँ पे कितने, इसको देखेंगे और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, इसको चाहिए कितने, 8 चाहिए, तो 8 के लिए क्या करेगा, किसी दूसरे जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बना रहा है, सॉरी आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे जैसे एन है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे अभी हम तो ये इसके साथ शेयर किया, इसके साथ शेयर किया, तो ये देखो ये बॉन्ड बना ए और ए एक शेयर कर रहा है ए, तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 3 शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हम बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर है। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन जब हम टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बातें करें तो उसमें भी क्या होते हैं, उसमें होते हैं, एक होता है पोलर, चलो इसको इसको मैं मिटाता हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। अब देखो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बातें करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का तो शेयरिंग होना ही है, बट जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर को जो जिसे हम प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्लियर है। तो जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, जो एटम जो पार्टिसिपेट करते हैं इस कंपाउंड को बनाने के लिए या इस बॉन्ड को बनाने के लिए, उनका जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इस केस में क्या होता है, नो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम्स, क्लियर है। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आप यहाँ पे ले लो जैसे हाइड्रोजन, जैसे H2, तो यहाँ पे देखो दोनों आइटम क्या है, हाइड्रोजन है जिसका लगभग 2.1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, उसी प्रकार जो O2 है उसमें क्या है, सेम है, या ऐसे आइटम जिनका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंसेस होता है बहुत ही माइनर होता है, क्लियर है। बट हम इस केस में जैसे यहाँ पे आप ले लो N2 ले लो, अब यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या होता है, जैसे HF, तो ईफ का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 4, अब H का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है और H का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो कितना है, 2.1, तो इसीलिए जो मीन्स ऐसे कंपाउंड या ऐसा बॉन्ड जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट जो एटम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप ये समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मीन्स एक जो एटम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, मीन्स बहुत देसी लैंग्वेज में समझो तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का या जो रखने का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है, क्लियर है। तो इसे कहते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे समझो कि जैसे हम लोग ने कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए क्या किया था, RAC, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मान के चलो मिस्टर जॉन एंड हिज ब्रदर, क्लियर है, यहाँ पे मिस्टर रॉबर्ट है, एक अनदर पर्सन,
क्लियर है? ये देखो, ये दोनों क्या, ये दोनों एक फैमिली से हैं, इन्होंने दो टिकट लिया ट्रेन में ट्रैवलिंग करने के लिए, बट दोनों का क्या हुआ, RAC ही मिला। क्लियर है? अब यहाँ तो हम लोग समझ लिया, लेकिन किसी कारणवश जिस दिन ट्रेन थी उस दिन उसका भाई उस दिन नहीं आया। क्लियर है? तो इसका जब भाई नहीं आया, यहाँ पे आप देखो, क्लियर है, इसका जब भाई नहीं आया तो जब ट्रेन में TT आई, क्लियर है, तो जो ट्रेन में जब TT आई, अब ये जो मिस्टर रॉबर्ट थे उनका टिकट क्या था, उनका टिकट है मान के चलो मीन्स कन्फर्म भी नहीं है ना, RAC है, वेटिंग में है। क्लियर है? तो जो रेलवे का जो रिकॉर्ड है उसमें ये शो कर रहा है कि मिस्टर जॉन रेलवे, मिस्टर जॉन का ही ब्रदर है, बट जो मिस्टर जॉन का जो छोटा भाई है मान के चलो मिस्टर बॉन्ड मान लो। क्लियर है? तो रेलवे के रिकॉर्ड में ये, इससे कोई मतलब नहीं है कि इनका भाई है कि कौन है, बट उनका रेलवे के रिकॉर्ड में ये मालूम है कि जहाँ से आना चाहिए था इस सीट पे दो बंदे को, एक बंदा नहीं आया। क्लियर है? मीन्स जो RAC जो शेयर करने वाला था वो नहीं आया। क्लियर है? अगर ये दोनों आ जाते रेलवे के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो दोनों क्या हो जाते गाइस, ये दोनों नॉन पोलर हो जाते, क्योंकि दोनों का पावर सेम था बट ये नहीं आया। क्लियर है? तो ये रेलवे के रिकॉर्ड में नहीं है, ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि मिस्टर रॉबर्ट का जो क्या था टिकट क्या था, वेटिंग में था। तो जो TT साहब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनका टिकट वहां पे बना दिया, उन्होंने देखा कि एक बंदा जो आने वाला था RAC में वो नहीं आया, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई मिस्टर रॉबर्ट साहब मैं आपका टिकट बना दे रहा हूं, आपको मैं टेम्पोररली ये सीट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर है? TT साहब ने ये बोल दिया। तो मीन्स अगर ये TT साहब का काम चलाऊ टिकट बनता है वो आपको भी मालूम है। क्लियर है ना? तो इसलिए तो अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ भी ये दोनों शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब बैठने गया तो मिस्टर जॉन ने पूछा कि भाई ये तो आपका सीट नहीं है। क्लियर है? तो बोला कि नहीं नहीं मैंने तो टिकट अभी अभी बनवाया है। तो अभी अभी बनवाया इसका मतलब क्या हुआ कि वो अच्छा आप TT से मिले हुए हैं, तो लेकिन जो मिस्टर जॉन साहब है उनके मन में तो मालूम है कि भाई तब तो ये अभी का टिकट बना, तो मतलब इस पर मेरा यहाँ ज़्यादा हक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि ये वैसे बैठे हुए थे, अभी क्या करेंगे ये सोने लगेंगे, यहाँ तक कर दिया, वो आपको यहाँ जगह दी है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपना पावर है RAC जो वाली सीट पे, वो अपना पावर ज़्यादा शो कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उनके पास ऑफिशियली रेलवे के द्वारा प्रोवाइडेड टिकट है इस पर्टिकुलर सीट के लिए, लेकिन जो मिस्टर रॉबर्ट साहब हैं उनके पास कोई उस तरह के आइडेंटिफाइड टिकट नहीं है जो रेलवे द्वारा मिला। वो तो TT साहब बीच में बना दी, हो सकता है अगला स्टेशन पर TT साहब उतर जाए तो हो सकता है उनका जो टिकट है वो इनवैलिड हो जाए। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे जो इनका पावर है, तो इसी को पावर को उन्होंने क्या बोला, अगर हम केमिस्ट्री के सेंस में बात करेंगे तो दैट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और वी कैन से इट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर है? तो आई थिंक जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थी, जो पोलर कंपाउंड था या जो नॉन पोलर कंपाउंड था या नॉन पोलर जो कोवैलेंट बॉन्ड था, उसको मैंने आपको इस तरह से समझाया। क्लियर है? अब यहाँ पर जैसे देख सकते HF हो गया, H2O हो गया, HCl हो गया, तो ये सारे जितने भी जो कंपाउंड्स हैं ये सारे क्या हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, मीन जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उन क्या होता है, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो चलो अब हम लोगों ने तो देख लिया कि क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड एंड क्या होता है एंड कितने टाइप के उनके और कितने टाइप के जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज द कंडीशन
से सरी फोर कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर है? तो फर्स्ट वन इज द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी वह एनर्जी होता है जो हम लोगों ने वह एनर्जी होता है जो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में हेल्पफुल होता है, जिससे वो किस में कन्वर्ट होता है? आयंस में। तो हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के किस में पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही लो होता है जिसके वजह से वो इजीली आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होता है इसीलिए वो आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ऑक्टेट रूल या इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए क्या करते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं, क्लियर है? सेकेंड वन इज द हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो हम लोगों ने बात किया था, क्लियर है? इसका मतलब क्या है, सेकेंड वन इज द इक्वल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ है, अफिनिटी ऑफ एटम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा बॉन्ड जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट जो एटम्स हैं उन दोनों के पास क्या है, भूख हो कि भाई हम दोनों क्या है शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को आपस में क्या करना बना बॉन्ड बनाना होगा, एक दूसरे के आपस में शेयर करना होगा, क्लियर है? तो उसी प्रकार जैसे किस प्रकार है कि मान के चलो एक क्रिकेट का अगर एक ग्राउंड है तो एक बैट्समैन ए है और एक बैट्समैन ए है, तो अगर रन बनाना है तो क्या करना है, दोनों को यहाँ से इसको भी भागना होगा और यहाँ से इसको भी भागना होगा, तभी जाकर यहाँ पे रन कंप्लीट होंगे, क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के पास एक मोटो होना चाहिए कि हमें क्या बनाना है, रन बनाना है। रन बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें दौड़ना होगा क्रिकेट पिच पे। उसी प्रकार यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स इक्वल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एटम्स, इसका मतलब यह है कि मतलब अगर इसमें से एक अगर कोई बंदा चाहेगा, इसमें से एक एटम चाहता है कि भाई मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये बंदा चाहेगा कि मेरे को तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्लियर है? तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्लियर है ना? तो इसीलिए ऑलमोस्ट इक्वल जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं, क्लियर है? थर्ड वन इज द जो इसका जो कंडीशन है कि जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 7 होना चाहिए, क्लियर है? अब चूंकि 8 हो जाएगा तो फिर वो तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या बॉन्ड बनाएगा, तो अगर ये 4 है तो ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन लवर होगा, क्लियर है? ये 5 है तो ये इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, इसको 4 चाहिए, अब ये जो 6 है तो इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, और इसको 7 है तो कितने चाहिए, 1 चाहिए, 4 व्हाट, 4 कंप्लीटिंग ऑक्टेट, दैट इज द स्टेबल, क्लियर है? तो गाइस ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज द लेक्चर नंबर 7 ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग एंड दैट इज द पार्ट 1 ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर है? तो मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत ही इजी वे में देसी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं और जो केमिस्ट्री पे जो आपका कमांड है वो और अच्छे से आपका हो जाए, क्लियर है? तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका अभी भी किसी भी तरह का कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरी को
पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको अटेंड करूँगा, क्योंकि इट्स नॉट अ लाइव क्लास, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग अ वीडियो एंड आई विल अपलोड आफ्टर 8 hours, 10 hours एंड इट माइट बी आई विल अपलोड टुमारो, ओके। सो इसीलिए अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेरीज है, तो आप प्लीज़ आप अपने क्वेरीज को पूछें, क्योंकि जब तक से आप अपने क्वेरीज को नहीं पूछेंगे, बहुत सारे बच्चे शर्माते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस भी होता है तो वहाँ पे पूछ नहीं पाते, और यही उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि वो अपने क्वेरी को पूछते नहीं हैं और वो उस क्वेरी को खुद ही अपने तरह से हैंडल करते हैं। तो गाइस, हम भी आपके तरह जब बच्चे थे तो हमें भी इस तरह का प्रॉब्लम आता था, तो इसीलिए अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई क्वेरीज है, तो प्लीज़ आप उसको अपने तक नहीं रखें, अदरवाइज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी क्लियर नहीं होगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। क्लियर है? तो चलो, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत एंड नमस्कार।